कोविड का समय वास्तव में लोगों के लिए काफी कठिन रहा है। मैं पहले की तुलना अब बहुत ज्यादा कॉल्स का जवाब दे रही हूँ। हाँ, वास्तव में कोविड की स्थिति गंभीर है। लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी नीचे है और चारों ओर भय का माहौल है। मुझे कॉल करने वाले कुछ लोग बताते हैं कि वे लॉकडाउन से थक चुके हैं। हाँ, और परिवार के साथ बंद होना कभी कभी सबसे बुरी बात भी हो सकती है। बचने का कोई जरिया नहीं होता और महिलाओं के खिलाफ अधिक हिंसा भी होती है। चारों ओर निराशा जैसी रहती है। ये ऐसा है मानो जैसे कोई छिपा हुआ मानसिक स्वास्थ्य महामारी हो। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है। आपका नाम क्या है और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हेलो दीक्षा, मेरा नाम रीना है। मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और मैं इसलिए फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। जब से ये कोविड की स्थिति शुरू हुई है, मेरे सभी क्लाइंट ने आना बंद कर दिया है और मैंने अपनी कमाई भी खो दी है। मैं अपने और अपनी बेटी की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ये कोविड कब ख़त्म होगा और मैं कब तक ऐसे ही जीऊँगी? मैं इस स्थिति में कैसे काम कर सकती हूँ? मेरा मन करता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। रीना, कृपया एक गहरी सांस लें और चिंता करने की कोई बात नहीं। समय अब उतना बुरा नहीं है क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं और आप तब तक काम करना भी जारी रख सकती हैं जब तक आप मास्क पहनते हैं और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर रही हैं। आपको इस समय हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बेटी के बारे में सोचें, और आपके लिए हर प्रकार की मदद भी इस समय उपलब्ध है। क्या आप जानती हैं कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चावल और दाल की तरह राशन भी प्राप्त कर सकती हैं? सरकार ने सेक्स वर्कर्स को वुमेन एट वर्क के रूप में वर्गीकृत किया है और राज्यों को पहचान प्रमाण के बिना भी यौन कर्मियों को भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मैं वास्तव में आपको सुझाव दूंगी कि आप निकटतम महिला मंडल या स्वयं सहायता समूह में शामिल हों और वहाँ पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और अन्य महिलाओं से भी मिलेंगी जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम राधिका है। आपका नाम क्या है और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हेलो राधिका, मेरा नाम अनिल है। हाय अनिल, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूँ इस बारे में, पर कोविड महामारी जब से आई है मेरा तो जैसे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक साल पहले ही मुझे HIV है इसका पता चला था। मैं किसी तरह उसका सामना कर रहा था और मैं अपनी दवाओं को लेने में बहुत नियमित था, लेकिन कोविड के कारण मैंने अपनी नौकरी खो दी। तब से मैंने अपने ARV लेने में रुचि भी खो दी है। मुद्दा क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे दवाइयाँ क्यों लेते रहना चाहिए। क्या इससे मेरी नौकरी वापस आ जाएगी? अनिल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे और स्वस्थ जान पड़ते हैं, आपको पता है कि आपको दवाई लेनी होगी। ये कोविड का मुश्किल समय गुजर जाएगा, नौकरियाँ आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन आपके पास केवल एक ही जीवन है। आपको सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए जिससे आपकी रोग प्रतिरक्षा भी बनी रहे, और आपके लिए ARV महत्वपूर्ण है। आप उन्हें मुफ्त में किसी भी ICTC केंद्र पर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपना मास्क पहनते हैं और सामाजिक दूरी का पालन करते हैं तो आपको कोविड होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं, लेकिन यदि आप अपने ARV को छोड़ देते हैं तो आप निश्चित रूप से कोविड संक्रमित होने के लिए जोखिम पर आ सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कह रही है, लेकिन मैं निराश भी हूं क्योंकि मेरी दोस्त भी पीड़ित है। वह अपने परिवार के साथ घर पर रह रही है और उसके पिता शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देते हैं। ठीक है अनिल, हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। वे इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकती हैं और हम उनसे बात करेंगे और उनकी स्थिति को भी समझेंगे। क्या वे किसी स्व सहायता समूह का हिस्सा हैं? वे इन समूहों में शामिल हो सकती हैं और दोस्त भी बना सकती हैं। आप जानते हैं कि वो इन समूह की नेता से बात भी कर सकती हैं और किसी के आने और परोक्ष रूप से उसके परिवार से बात करने की व्यवस्था भी। ये समूह उन्हें मौद्रिक, भावनात्मक और मानसिक सहायता भी प्रदान करते हैं। वे स्थानीय पंचायत से समर्थन प्राप्त करने में भी उसकी मदद कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। सच में, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी।
कि घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की मदद के लिए इतने विकल्प होते हैं। दरअसल मैं समलैंगिक हूँ और मेरे सेक्स संबंध अन्य पुरुषों के साथ होते हैं। कोविड के चलते मुझे अपने परिवार के साथ उनके घर पर रहना पड़ रहा है। वे मेरी अन्य पुरुषों के संबंध बनाने की इच्छा के चलते मुझे अस्वीकार करते हैं और अगर उन्हें पता चला कि मैं ये कॉल कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी प्रताड़ित भी करेंगे। क्या मुझ जैसे लोगों की मदद के लिए भी कोई विकल्प है? हाँ अनिल, वैकल्पिक यौन पहचान वाले पुरुषों के लिए सामुदायिक संगठन मौजूद हैं। यदि आप उनसे जुड़ते हैं तो वे आपको अपने परिवार के साथ हस्तक्षेप करने में मदद करते हैं, एक वैकल्पिक आजीविका प्राप्त करने में और साथ ही साथ भावनात्मक और मौद्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कृपया इस नंबर पर कॉल करें 7874645627। हाँ, आपने सही कहा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम कोविड की चुनौतियों को हरा सकते हैं और निश्चित रूप से लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का समर्थन है और हम अकेले नहीं।